Hello students, you're most welcome in maths class. Today I am here with exercise number 15.4. You know your chapter visualizing solid shapes is running. Here is the question. What cross section is made in the following solids by a vertical cut and हॉरिजॉन्टल कट? आपके क्वेश्चन नंबर वन में दिया गया है 15.4 के, दिया गया है कि किसी भी चीज सॉलिड शेप को यदि वर्टिकली काटा जाए और हॉरिजॉन्टली काटा जाए तो कौन सा शेप बनेगा. इसमें आपको दिया है पहला एग्जांपल लेमन. अगर किसी लेमन को आप काटें एक बार वर्टिकली और एक बार हॉरिजॉन्टली तो कैसा शेप बनेगा. पहले तो ये जान लीजिए वर्टिकली क्या है. वर्टिकली ये है और हॉरिजॉन्टली ये है. मतलब किसी चीज को एक बार ऐसे से काटना फिर इस तरह से काटना, काटने पर कौन सा शेप बनेगा. तो पहला एग्जांपल है यहाँ पर लेमन है. लेमन काटने के बाद कैसा शेप बनेगा ये आपको बताना है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से. तो मैं समझता हूं कि आपको इस चीज को प्रैक्टिकली अपने आप घर पे लेमन ले करके और उसको काट कर देखना चाहिए क्या सिचुएशन बनती है. चलिए अब देखिए ये आपका लेमन है. इस लेमन को एक बार ऐसे काटना है. ये देखिए वर्टिकली है तो चलिए इसको वर्टिकली काटते हैं और देखते हैं क्या शेप बनकर तैयार होता है. ये भी देखिए जो वर्टिकली लाइन थी उसी के अकॉर्डिंग इसको काटा जा रहा है. क्लियर. ये देखिए आपका वर्टिकली, वर्टिकली ये आपका काटा गया. मतलब इस लेमन को आपको ऐसे काटना था, ऐसे. ये वर्टिकली है मतलब इस तरह से. अब शेप जो बनता है वो किस तरह बनता है. ये शेप आपका बनता है. ये देखिए ये कैसा शेप है. ये सर्कुलर है. सर्कुलर. तो इसके आंसर में आप लिखेंगे जब आपने वर्टिकली इसको काटा तब भी शेप कैसा बना. सर्कुलर है. देख सकते हैं आप इसको. ये देखिए ये आपका सर्कुलर है और ये पार्ट भी आप देख रहे हैं ये सर्कुलर है. तो आंसर आपको क्लियर हो जाएगा. और इसी तरह से जितने भी शेप दिए गए हैं सबको आप घर पे काट करके चेक करेंगे और देखेंगे. तो यहां पर आंसर में लेमन के लिए वर्टिकली जब काटा गया तो इसके लिए आंसर क्या आया, आपका सर्कल बनता है. तो आंसर में लिख देंगे सर्कल. क्लियर है. अभी आपने इसको कैसे काटा. ये देखिए आपने ऐसे काटा वर्टिकली तो क्या आया, सर्कल आया. अब आप ऐसे काट के देखिए. एक दूसरा लेमन लेते हैं. ये देखिए अब ये दूसरा है और इसको हम ऐसे काटेंगे इसको इस तरह से. क्योंकि ऐसे काटना क्या है वो हॉरिजॉन्टली. तो इसको देखते हैं इसमें कौन सा शेप बनता है. ये देखिए आपका कटिंग जो हो रही है ये हॉरिजॉन्टली हो रही है और शेप इसका देखिए क्या बनता है. आप देखिए ये अब भी आप देख सकते हैं अब भी वही स्थिति है. सर्कुलर शेप बन रहा है. इसमें भी और दूसरे पीस में भी देखिए सर्कल बन रहा है. मतलब अगर लेमन को आप वर्टिकली काटते हैं तब भी और हॉरिजॉन्टली काटते हैं तब भी दोनों कंडीशंस में अभी हमने आपको दिखाया कौन सा शेप बना. सर्कल बना, सर्कुलर बना. तो यहां पर वर्टिकली भी सर्कल, हॉरिजॉन्टली भी
सर्कल हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी एग्जांपल इसमें दिए गए हैं उसको आप जब काट के चेक करेंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर दिया है ब्रिक, ब्रिक ब्रिक आप जानते ही हैं ईंट होता है। आप कोई ईंट आप लिख कर देखेंगे तो उसको आप जब काटेंगे तो कैसा शेप बनेगा, ये देखिए आपका ये ईंट की तरह का शेप है, एक ऐसा शेप है ईंट की तरह का। और इसको यदि आप ऐसे ऐसे काट देंगे, ऐसे काटेंगे वर्टिकली काटेंगे तो कौन सा शेप बनेगा, यहां कटेगा ये आपका, यहां पर आप देख सकते हैं ये मान लीजिए ब्रिक है आपका और ऐसे वर्टिकली ऐसे होगा। ऐसे आप इस शेप को काट दीजिए, यहां से मान लीजिए कटता है तो यहां से यहां तक कौन सा शेप आ रहा है, ये बताइए, ये रिक्टेंगल आ रहा है, वर्टिकली रिक्टेंगल हो गया। और अगर इसको हॉरिजॉन्टली काटेंगे यहां से ऐसे काटेंगे तो ये नीचे वाला शेप क्या बन जाएगा, ये भी रिक्टेंगुलर, ये भी रिक्टेंगुलर। तो इसमें आपका आ जाएगा आंसर निकल करके रिक्टेंगल, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों में क्या आएगा, जब किसी ब्रिक को काटेंगे आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली तो यहाँ आ जाएगा आपका रिक्टेंगल बनकर तैयार होता है। तो दोनों में आप लिख देंगे रिक्टेंगल, क्लियर है। उसके बाद एग्जाम्पल है आपका ए ट्री ट्रंक, किसी पेड़ का ट्रंक है, ये देखिए आपका, ये मान लीजिए ये पौधा था उसके ट्रंक को हमने काट लिया है, क्लियर। अब इसको एक बार वर्टिकली आप काटेंगे, जैसे वर्टिकली का मतलब इस तरह से ऐसे कटेगा क्या बनेगा, सीधी सी बात है जब आप वर्टिकली काटेंगे तो आपका रिक्टेंगल बनना चाहिए, क्या बनेगा, रिक्टेंगल। आइए दिखाते हैं आपको, जैसे ये देखिए आपका ये दूसरा चौक है, इसको अगर काटा जाए ये वर्टिकली, वर्टिकली मतलब ऐसे सीधे सीधे, ऐसे अगर इसको काटा जाएगा तो कैसा शेप बनेगा, आप समझ सकते हैं कि इस तरह से काटा जाएगा तो रिक्टेंगुलर शेप बनेगा। कैसा बनेगा, आप घर पे किसी पेड़ के तने को काट करके आप देख लेंगे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह का शेप बनेगा। ये देखिए आपका वर्टिकली काटने के बाद आपका कैसा शेप बन रहा है, ये देखिए ये आपका रेक्टेंगुलर बन रहा है। और अगर इसी को आप ऐसे काटिए तो पहला वर्टिकली आपने ऐसे काटा तो क्या आ गया, रेक्टेंगुलर आ गया। तो तीसरा एग्जांपल किसका था, ए ट्री ट्रंक, ए ट्री ट्रंक, ट्रंक को जब आपने काटा तो वर्टिकली पर क्या आया, रेक्टेंगल आया, रिक्टेंगल। अब देखिए ये ट्रंक है ये, अब इसको आप ऐसे काट दीजिए, ये हॉरिजॉन्टली होगा, ऐसे जब आप काटेंगे तो क्या शेप बन रहा है, ये सर्कुलर बन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्कल, इसमें आप लिखेंगे सर्कल। इसी तरह से जितने और एग्जांपल बचे हैं, डाई है, ए फ्रस्टम है और एन इजिप्शियन पिरामिड है, इसको आप चेक कर लेंगे किस तरह से बनता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है आपका, क्वेश्चन नंबर टू में देख रहे हैं ये दिया है टॉप है और ये फ्रंट है एज है, इसमें आपके जो तीनों फिगर बने हैं इसमें बताना है कौन टॉप है। तो पहला आपका टॉप है और ये दूसरा जो है साइड हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा फ्रंट या टॉप, दोनों ऊपर का, ये ऊपर का पोर्शन भी
टॉप या फ्रंट होगा, ये भी होगा। तो इस तरह से ये भर लेना है। और बचे हुए क्वेश्चन भी इसी तरह से बहुत ही इजी हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको आसानी से कर लेंगे। नोट डाउन योर होमवर्क, होमवर्क टू एक्सरसाइज 15.4। 15.4 एक्सरसाइज आप करेंगे, इसमें किसी तरह कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट डे 4 एक्सरसाइज के बाद आपका जो है ये चैप्टर 15 फिनिश होता है। और नेक्स्ट डे हम चैप्टर नंबर 16 शुरू करेंगे, नाम है डेटा हैंडलिंग। तो यू विल स्टडी अबाउट द डेटा हैंडलिंग आल्सो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।